हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका एसकेएम सर आज फिर आपके सामने हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स पर। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें हर सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आप लें, अभी देखिए आपका शेड्यूल जो है उसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में भी क्या तीन तीन पार्ट्स होते हैं। आपने पढ़ा मान लीजिए उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे हमारी प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं, हम तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, हम चीजों को प्रॉपरली लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन पीछे वाले जो चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं, वो चैप्टर्स कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे दिमाग से धीरे 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 निकल रहे होते हैं। वैसे इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं उन रीजन पर भी कभी बात करूंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जिन चैप्टर्स को हम पढ़ चुके हैं, किस तरीके से उन चैप्टर्स उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं। देखिए आप में कई ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे, अच्छी बात है, उनका एक तरीका होगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। मैं आपको आज बताऊंगा ऐसे बच्चों के बारे में भी जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और ये शॉर्ट नोट्स उन्हें हेल्प करने की जगह उन्हें स्ट्रेस या प्रेशर में लेकर आते हैं। मैं बताऊंगा क्या गलती करते हैं ऐसे बच्चे, एक बात। दूसरी बात, ऐसी कोई अगर मान्यता आपके मन में है कि भैया केमिस्ट्री में ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, गलत। आपको हर सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता पड़ती है, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा, किसी सब्जेक्ट में कम। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं भैया इसमें नहीं पड़ती, इसमें पड़ती, तो आप गलत हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले सकता हूं, लाइक लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से चालू करता हूं। मान लीजिए भाई साहब आपने क्या किया, आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो आपने आईपीएससी से पढ़ना चालू किया, ठीक है, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ा, और फिर उसके बाद आप आ गए, आइसोमेरिज्म बड़ा पोर्शन है, उसके बाद आप आ गए मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर, और फिर एक लंबा सा सीक्वेंस आपके सामने है। तो जैसे आपने आईयूपीएससी पढ़ी, अब आईयूपीएससी में वो कौन सी ऐसी चीज है जो अक्सर आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यार इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं। याद रखना, शॉर्ट नोट्स नेवर मींस कि पूरे चैप्टर को उठा के कॉपी कर डाला, इट्स इलॉजिकल, इट्स इलॉजिकल। मुझे एक चैप्टर में 15 चीजें हैं, कोई भी सब्जेक्ट, उस चैप्टर में 15 कॉन्सेप्ट है मान लीजिए, और 15 कॉन्सेप्ट में 10 कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। मैं सोते सोते भी कोई मुझसे पूछ ले कि भैया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, अरे दादा अगर मैं सोते सोते भी ये बता सकता हूं तो मुझे इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। लॉजिकली जिस चीज में हमें महारत हासिल है उस पर एक्स्ट्रा काम करने की कोई फायदा नहीं होता। आपको जहां कॉन्फिडेंस कम लग रहा है वहां पर आपको काम करना है। लेट्स कंसिडर, मान लेते हैं कि आप जो पहला चैप्टर है 11th के स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मान लेते हैं आप फंक्शनल ग्रुप्स प्रॉपरली याद नहीं रख पाते, मान लेते हैं वो फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी टेबल है वो प्रॉपर याद नहीं होता, मैं हमेशा भूल जाता हूं भैया कि एसिड के बाद अगला कौन सा है, तो हमारे शॉर्ट नोट्स में यही आएगा, हमारे शॉर्ट नोट्स में यही आएगा। और साथ में एक शॉर्ट ट्रिक आएगी कि किस तरीके से मैं इसे रिमेंबर करूं। शॉर्ट नोट्स में हम उस चीज को लिखेंगे, पहली बात दिमाग में रखेंगे। भाई साहब आप चलिए, आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स में चलिए, मान लीजिए आपके पास 300 फॉर्मूले हैं और आपको 300 फॉर्मूले में से 250 फॉर्मूले आते हैं, अच्छी तरीके से आते हैं। आपको फिजिक्स में पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पता है, v इक्वल टू u प्लस at पता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले जो पता है, f इक्वल टू ma का थोड़े बनाओगे, f इक्वल टू ma का बनाओगे, e इक्वल टू mc स्क्वायर का बनाओगे क्या, अरे जो आता है उसका शॉर्ट नोट्स लाइक नहीं, जरूरत नहीं है। वो वाली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर में है, जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम पढ़ते हैं हर बार हमें लगता है यार कुछ कॉन्फिडेंस कम है, ऐसी चीज पर अपन विशेष कृपा करेंगे, ऐसी चीज को पकड़ के अपने को शॉर्ट नोट्स बनाना है।
कोई भी सब्जेक्ट का नाम लीजिए, आप फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे वहां बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, चाहे वो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में रहें, केमिकल काइनेटिक्स में रहें, लिक्विड सॉल्यूशन में रहें, हर जगह आप देखिए आपको फॉर्मूले मिलते हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट्स का कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप एक या दो नए रजिस्टर बना लें। इट्स टोटली इलॉजिकल। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लाइक टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए कई ऐसी लॉजिकल चीजें होंगी जो आपको फिंगर टिप पर होंगी, आपको ऐसे बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, आपको सारी चीजें पता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन है, जिसमें सर यहां पर ये लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, जो नीचे से ऊपर आता है वो वेरिएशन यहां नहीं देखने को मिलता, ऐसी चीजों का शॉर्ट नोट्स बना लिया। जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे स्ट्रेंथ रहने दो, जो हमारी वीकनेस है उसे स्ट्रेंथ बनाओ, सिंपल फंडा है। शॉर्ट नोट्स किस उद्देश्य से बनाते हो, किस उद्देश्य से बनाते हैं शॉर्ट नोट्स? कहीं ना कहीं हम किसी चैप्टर में जो भूल रहे हैं, भाई साहब कोई चैप्टर आप कितना भी भूल जाओ उसके 2, 4, 5, 10 कम से कम 25-30% चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग से नहीं निकलती। तो इट वुड बी इवन बेटर टू हैव कि भैया जो हम भूल रहे हैं, जो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं है, हम उस चीज को प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स बनाएं उस चीज का। एक बात ही, आप चले मैथमेटिक्स में ले लें, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है, ट्रिग्नोमेट्री में आप जाए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ऐसे हैं, उसमें अजीब गरीब फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है आप लिख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, भैया इनकी टेंजेंट का फॉर्मूला, इनका नॉर्मल का फॉर्मूला, इनका पैरामेट्रिक फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, जो आपको लगता है, अरे तो बहुत कॉमन है, आपने क्या खटाखट आपने गिना दिया सर, देखो इसके टेंजेंट का ही होता है, इसके नॉर्मल का ही होता है, अरे आता है तो मत बनाओ ना। ये शॉर्ट नोट्स सबके लिए एक जैसे नहीं हो सकते, ये शॉर्ट नोट्स सबके लिए एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग। एक ऐसा बच्चा उसने आकर बोला सर अपना आइसोमेरिज्म बहुत तगड़ा है, कुछ भी पूछो सब आता है, आइसोमेरिज्म एकदम जबान पर रखा हुआ है, एक एक चीज अच्छी आती। तो भाई साहब वो क्यों बनाएगा, वो आइसोमेरिज्म में हल्का फुल्का बनाएगा, 5 लाइन में उसका शॉर्ट नोट्स करता हूं आपका, क्या आइसोमेरिज्म के अलावा बाकी चैप्टर ठीक है, आइसोमेरिज्म में गड़बड़, आपका आइसोमेरिज्म में 1 पेज या 1.5 पेज या 2 पेज लगेगा, ये समझना होगा। आप फिजिक्स में जा रहे हैं, फिजिक्स में भी आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कई फॉर्मूले, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया आपको पता है, ऑप्टिक्स में जाइए, हीट ट्रांसफर में जाइए, हाइड्रोस्टेटिक्स में जाइए, अगर आपको फॉर्मूले मिलते हैं और जो आपको आप हर बार आपको देखने पड़ते हैं, प्रॉपरली आपको दिमाग में नहीं रख पाते हैं, हर उस सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। अब मुद्दा है कि सर हमें पता चल गया कि शॉर्ट नोट्स सबके बनाने चाहिए, जो जो चीजों में हमें कॉन्फिडेंस कम है या जो चीज हम पढ़ते हैं पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो मेरे भाई अब मैं एक चीज बताऊंगा कि ये कैसे बनाएं शॉर्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आप बैठ गए आज मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और आपने रेगुलर क्लास की थ्योरी और होमवर्क को साइड में रख दिया, इट्स अगेन रॉन्ग। आपको आपकी करंट क्लासेस की थ्योरी और होमवर्क प्रायोरिटी पर रखते हुए करना है, ठीक है? आपने देखा कि भैया अब आपको पता चला कि भैया 10 दिन बाद हमारा पेपर है, 10 दिन बाद हमारा टेस्ट है, तो 10 दिन पहले आप होमवर्क तो करिए, क्योंकि देखो जो होमवर्क कर रहे हो उसका भी कंटेंट टेस्ट में आएगा, तो होमवर्क करना वो तो टेस्ट प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। आप ये नहीं कह सकते सर हम होमवर्क करते रहेंगे तो टेस्ट की तैयारी कब करेंगे, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो कर रहे हो वो भी टेस्ट प्रिपरेशन का है, क्योंकि आप देखिए आपके जो रिव्यू टेस्ट होते हैं जो 2 या 3 हफ्ते में होते हैं उसमें वो कंटेंट तो होता ही है ना यार जो तुम पढ़ रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो टेस्ट प्रिपरेशन। उसके साथ मैं आपको बोलूंगा कि आप 60-90 मिनट्स या 120 मिनट्स निकाले, कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। इस दौरान मैंने पिछले चैप्टर को रिवाइज किया, किसी भी सब्जेक्ट में मैंने पिछले चैप्टर को रिवाइज किया, और रिवाइज करते समय मेरी नजर उन दो कॉन्सेप्ट पर, उन दो रिएक्शन पर, उन दो फॉर्मूलों पर पड़ी जिस पर क्या है बार बार अपने को लगता है यार ये भूल जाता हूं मैं, ये 2 नीचे होता है, 2 ऊपर होता है, स्क्वायर किधर होता है, ऐसा कोई भी डाउट आया तो आपने एक पतला सा रजिस्टर बनाना है। याद रखो शॉर्ट नोट्स का एकदम पतला सा रजिस्टर होना चाहिए, ये नहीं है इतना मोटा एक शॉर्ट नोट्स का रजिस्टर अलग है, हमारे ऑर्गेनिक के 3 रजिस्टर अलग है, शॉर्ट नोट्स का एक अलग, ऐसा नहीं। शॉर्ट नोट्स नाम के हिसाब से शॉर्ट होने चाहिए। मेरे भाई लेट्स मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप
ट्वेल्थ में है और आपने मैकेनिज्म चैप्टर रिवाइज किया, मैकेनिज्म चैप्टर आपने रिवाइज किया और वहां पर आपको पता चला सब कुछ बढ़िया है, बस HBO जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन उसमें थोड़ा सा हमें याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपने ऐसे किया कि भाई साहब ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन में हम क्या लेते हैं भाई साहब बताइए, BH3THF, क्या लेते हैं BH3THF, H2O2 OH-। अब अगर आपको याद हो तो भाई साहब रिएक्शन में बोरेन जो होता है वो H- सप्लाई कर रहा होता है और H2O2 जो होता है वो OH दे रहा होता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं इस रिएक्शन का जो आंसर है मेरे भाई वो आप लिखेंगे CH3CH, डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होती है, ये H जो है वो यहां आ जाता है और इसका OH यहां आ जाता है। तो आप शॉर्ट नोट्स में छोटा छोटा बस ये रिएक्शन लिखेंगे, उसमें ये आपने हाइलाइटेड कर लिया और शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिया कि एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन हो रहा है। आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर HBO में आपको डाउट रहता है और अगर आपको HBO में ये रिकॉल कर लेते हैं कि यहां H लगेगा यहां OH लगेगा और ये एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन है, तो आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का फैसला बिल्कुल सही। इस तरीके से छोटा छोटा लिखें, ऐसा नहीं है शॉर्ट नोट्स में हेडिंग डाल के पूरी डेफिनेशन, नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स शुड बी लाइक उस टॉपिक की जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसकी हिंट। ये देखिए ये सारी चीज इंक्लूड करता है। अगर मैं HBO की बात करूं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सारी चीज इंक्लूड करता है। देखिए कोई जरूरी नहीं आप HBO का बनाएं, ये तो आपकी जरूरत के हिसाब से होगा। तो इस बात को दिमाग में रखें जो बातें मैंने आपको बताई है। पहला, सारे लोग देखें शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसा किसी एक दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नहीं। दूसरा, जो चीज आपको अच्छी तरीके से आती है प्लीज डोंट इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स इन योर शॉर्ट नोट्स, ये बेकार में आपके टाइम को और शॉर्ट नोट्स वाले रजिस्टर को मोटा करेंगे, टाइम को खराब करेंगे। थर्ड बात, आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कोई अलग से एक मुहिम या अलग से टाइम टेबल ना बनाएं। व्हेन यू आर रिवाइजिंग एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट और आपने वो पढ़ने के बाद कहा यार सब कुछ ठीक है लेकिन ये चार चीजें बड़ी मजेदार हैं, भैया आप मजेदार उन्हीं को बोलते हो जिसे करने में मजा आ रहा है, जिसमें थोड़ी ट्रिक है, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऐसी चीजों को आप शॉर्ट नोट्स में एक बार लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में छोटा छोटा लिखें, काम का लिखें, काम भर का लिखें, फुल HBO के 25 एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स में, वो तो आपने मेन थ्योरी कॉपी में कर रखें, मेन थ्योरी कॉपी में कर रखें। So this is all about short notes, और short notes जब आप बना रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है जो अभी मैंने तीन बातें बताई हैं। क्लियर? फर्स्ट क्या है बताइए, हर सब्जेक्ट में इसे बनाना पड़ सकता है जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि यार लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में तो नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स में तो मेरे को फॉर्मूला मैं भूल जाता हूं, तो बनाओ यार। आपको लगता है ऑर्गेनिक में भी दिक्कत, बनाओ ना यार, क्या दिक्कत, कब बनाना है। सेकेंड बात, आप जब रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करने के बाद चैप्टर रिवाइज कर लिया, आखिरी में आपको पता चला यहां पर मुझे ये तीन रिएक्शंस हैं जो मैं पढ़ता तो हूं बार बार, दिमाग से निकलती है, आपने क्या किया पतला सा रजिस्टर निकाला, उसमें वो तीन रिएक्शंस के बारे में पूरा जो भी है वो आपने वहां पर मेंशन किया इस तरीके से, सही है या नहीं। So, ये चीज है हर सब्जेक्ट में आप करें, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लें, एक पतला सा सपोर्टिव रजिस्टर होना चाहिए जिसे हम शॉर्ट नोट्स के नाम से रख सकते हैं। ये आज आपको ऐसा लग सकता है कि सर अभी तो मेरे पास जितना कंटेंट है वो सारा मेरे को आता है, लेकिन आपको मैं बता दूं हर सब्जेक्ट में जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे, चैप्टर खत्म होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे पीछे वाली चीजें कुछ ऐसी होंगी जरूर जो आपके दिमाग से हल्की हल्की हटती जाएंगी। तो अगर हमने आज उन पर इस तरीके से काम किया तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे चलकर, ठीक है। तो आज के बाद सारे लोग शॉर्ट नोट जब भी बनाए तो एक बात पहले ही फिक्स कर लें, बहुत पतला रजिस्टर हो जिसमें हार्डली 15 से 20 पेजेस हो, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स का रजिस्टर मोटा नहीं होना चाहिए। आपने 100 रुपए का रजिस्टर खरीदा, इतना मोटा उसमें लग गया। मैंने देखा कई बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग, अच्छी बात है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, बट एक एक्चुअल चैप्टर जो थ्योरी कॉपी में है वो 25 पेज में, शॉर्ट नोट्स भी आपने बनाया 22 पेज में। अरे तो दादा सेम चैप्टर दोबारा कॉपी करने का क्या लॉजिक हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा कॉपी कर लिया, कॉपी करने से नहीं होता, समझ में आया। आपको उसमें जो नहीं आता था उस पर फोकस करें। तो आई होप शॉर्ट नोट्स को लेकर कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे,
एंड वो मुझे बोल रहे थे कि सर इस पर कुछ बताएं, तो इसलिए वीडियो बनाया। अगले वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगा, तब तक आप इसे फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा इस चीज को फॉलो करने के बाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।